नमस्ते बच्चों, क्लास ट्वेल्थ गद्य खंड। हमने भक्ति पाठ पढ़ चुके हैं जो कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र है और इसके प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए थे। आज हम महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो अतिरिक्त प्रश्नोत्तर हैं वह कर रहे हैं, वो आपके सामने हैं। आप पहला प्रश्न देखिए। लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी सेविका का परिचय किस प्रकार दिया? उत्तर, लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी सेविका का परिचय अति सुघड़ भाषा व भावों के माध्यम से दिया। उसका नाम उसके भाग्य का विरोधी लक्ष्मीन था। उसका कद छोटा व शरीर दुबला पतला था। उसके पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प था। आंखें छोटी छोटी परंतु उनमें समझदारी का भाव स्पष्ट झलकता था। पलकों को गिराकर चिंता की मुद्रा में विश्वास भरे कंठ से अपने और लेखिका के संबंधों को दीर्घकाल का बताती थी। हटी दुर्भाग्य वाली भक्तिन कर्मठ स्वाभिमानी व स्नेहपूर्ण हृदय वाली नारी थी। भविष्य में उसके बिना महादेवी का जीवन दुभर था। लेखिका ने उसे भक्तिन नाम से सुशोभित किया था। प्रश्न नंबर दो, सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई है? उत्तर, महादेवी वर्मा ने भक्तिन की तुलना हनुमान जी से की है क्योंकि जिस प्रकार हनुमान जी निस्वार्थ भाव से राम की सेवा में निरत रहते थे, उसी प्रकार भक्तिन भी अपनी मालकिन की निस्वार्थ सेवा करने में रात और दिन लगी रहती थी। अनपढ़ होने पर भी लेखिका के लेखन कार्य के समान को पहचानती थी। लेखिका के सोने के बाद सोती और उसके उठने से पहले उठ जाती थी। उसके जीवन का परम कर्तव्य था लेखिका को प्रसन्न रखना। लेखिका के भ्रमण की एकांत साथी थी। बुद्धिकाल में भक्तिन लेखिका को अपने गांव में ले जाकर सुरक्षित रखना चाहती थी, अतः भक्तिन को हनुमान के समान बताया गया है। प्रश्न नंबर तीन, भक्तिन के नाम और उसके जीवन में क्या विरोधाभास था? उत्तर, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था, जो वैभव सुख संपन्नता आदि का प्रतीक है, जबकि भक्तिन की अपनी वास्तविक स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। वह अत्यंत गरीब व दीनहीन महिला थी। वैभव सुख आदि से उसका कुछ लेना देना नहीं था। भक्तिन समझदार थी, इस कारण अपना समृद्धि सूचक नाम नहीं बताती थी। वह सबके सामने उपहास का पात्र बनना भी नहीं चाहती थी। प्रश्न नंबर चार, वी माता ने भक्तिन के पिता के मरने का समाचार भक्तिन के पास देर से क्यों भेजा था? उत्तर, वी माता के द्वारा भक्तिन के पिता के मरने का समाचार भक्तिन के पास देर से भेजने का कारण था कि वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। पिता का उस पर अगाध प्रेम था। इस अगाध प्रेम के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क माता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। प्रश्न नंबर पाँच, भक्तिन को किस कारण कौन कौन से कष्ट सहने पड़े? उत्तर, भक्तिन ने सर्वप्रथम गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली बालिका को जन्म दिया तथा दो बालिकाओं को और जन्म दिया। इस प्रकार तीन बालिकाओं को जन्म देने के कारण उसे अनेक कष्ट सहने पड़े। सास व जेठानियाँ उसकी उपेक्षा करती थी। उसे घर का सारा काम करना पड़ता था तथा बेटियाँ गाय भैंस का काम करती थीं। उसे खाने में गुड़ मठा और बेटियों को चने बाजरे की घुघरी मिलती। लीक छोड़कर चलने के कारण भक्तिन को दंड मिलना स्वाभाविक ही था। यही है भारतीय हिंदू समाज में पुत्र को जन्म न देने का दंड। दूसरी ओर स्वयं व बड़ी बेटी के विधवा होने पर संपत्ति के कारण जेठोतों के अत्याचार, बड़ी बेटी का नालायक पुरुष से पुनर्विवाह, गृह कलेश से संपत्ति का विनाश, लगान न देने पर कर्मठहीनता के कलंक का कष्ट सहना पड़ा। यहाँ तक कि गांव घर भी छूट गया। प्रश्न नंबर छः, खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी लक्ष्मी अपने पति का प्रेम पाने में पूर्ण सफल क्यों थी?
उत्तर जेठानियों की चुगली चबाई की परिणीति लक्ष्मी के पति के पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियां धमाधम पीटी जाती पर उसके पति ने उसे कभी उंगली से भी नहीं छुआ था, क्योंकि उसका पति बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। उसके अतिरिक्त परिश्रमी तेजस्विनी और पति प्रति रोम रोम से समर्पित पत्नी को वह बहुत चाहता था। इन्हीं गुणों के कारण लक्ष्मी पति के प्रेम को पाने में सफल थी। प्रश्न नंबर 7, लक्ष्मी के जेठोतों के मुंह में पानी क्यों भर आता था? लक्ष्मी की संपत्ति को लेने में वे किस प्रकार असफल रहे? उत्तर जेठोतों के मुंह में पानी भर आने का कारण था भक्ति के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़। परंतु इन सबका जेठोतों को मिलना तब ही संभव था जब भक्ति दूसरा घर कर लेती। परंतु जन्म से बुद्धिमान भक्ति उसके बहकावे में नहीं आई। उसने क्रोध में आकर आंगन में पैर पटक पटक कर कहा, हम कुतिया बिल्ली नहीं हैं, जब मन होगा तो जाएंगे, नहीं तो तुम्हारी छाती पर ही रहेंगे और राज्य भोगेंगे। उसने अपनी जमीन में से सुई की नोक बराबर भी जमीन देने में उदारता नहीं दिखाई। प्रश्न नंबर 8, तीतरबाज युवक कहता था, वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी पांचों उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, माँ की अनुपस्थिति में तीतरबाज युवक ने बेटी को कोठरी में घुसकर अंदर से कुंडी लगा ली। उस अनचाहे व अस्वीकृत पति को सीख देने के लिए बेटी ने उसकी पिटाई की तथा गाल में पांचों उंगलियों के निशान जड़े और कुंडी खोलकर बाहर आकर पंचायत को अपनी सच्चाई पढ़ने के लिए कहा कि यह पांचों उंगलियों के निशान निमंत्रण देने का प्रमाण दे रहे हैं, अर्थात उसने कोई निमंत्रण नहीं दिया था। ये निशान पत्नी न बनने का प्रमाण है। परंतु एक विधवा युवती की सच्चाई को ठुकराते हुए पंचायत ने तीतरबाज को जबरदस्ती व अन्याय के साथ उसका अनचाहा पति बना दिया। प्रश्न नंबर 9, भक्तिन अपने ससुराल के गांव व घर छोड़कर शहर क्यों आई? उत्तर, भक्तिन के जिठो का तीतरबाज व नालायक साला पंचायत के अपीलहीन फैसले के कारण भक्तिन का बिन ब्याह दामाद और विधवा बेटी का अस्वीकृत पति बना। वह निश्चिंत होकर तीतर उड़ाता, बेटी विवश होकर क्रोध से जलती रहती। भक्तिन ने अपनी मेहनत से जिस संपत्ति को संभालकर सोना बनाया था वह पारिवारिक द्वेष से झुलस गई और लगान चुकाना भी कठिन हो गया। दुखों ने अपने पैर पसार लिए। जमींदार का लगान न चुकाने पर उसने भक्तिन को बुलाकर पूरे दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान भक्तिन की कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक था। अतः वह दूसरे ही दिन कमाई के विचार से गांव को छोड़कर शहर आ पहुंची। प्रश्न नंबर 10, लेखिका महादेवी वर्मा ने भक्तिन के लिए इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर लेखिका ने पूछा कि क्या तुम खाना बना देती हो? उत्तर में पूर्ण आश्वासन पाकर उसे खाना बनाने के लिए रख लिया गया। दूसरे दिन तड़के ही उसने स्नान करके पवित्र होकर धोती पहन उदय होते हुए सूर्य और पीपल का जल से स्वागत किया, नाक बंद करके 2 मिनट का जाप किया। तत्पश्चात रसोई की सीमा कोयले की मोटी रेखा से बनाकर रसोई में प्रवेश किया। उसकी वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का मिश्रण, भोजन पकाने का आश्वासन, पूजा जप और भोजन की पवित्रता, इतनी सारी विभिन्नताओं को एक व्यक्ति में देखकर लेखिका ने भक्ति के लिए कहा, इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। प्रश्न नंबर 11, लेखिका के लाख जाने पर भी भक्तिन नहीं पढ़ पाई थी क्यों? उत्तर, भक्तिन बुद्धिमान है तथा विद्या बुद्धि के महत्व को जानती है, इसलिए वह लेखिका की पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके अपने विद्या के अभाव को भर लेती है। एक बार लेखिका ने अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया तो भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई। उससे लिखना पढ़ना आता ही नहीं था।
वह पढ़ना भी नहीं जानती थी, पढ़ना उसे मुसीबत दिखाता था। दूसरा, सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था, यानी बुढ़ापे का, अतः वह अनपढ़ ही रह गई। प्रश्न नंबर 12, लेखिका को भूख का कष्ट न हो इसके लिए भक्तिन क्या करती थी? उत्तर, जब किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त लेखिका बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती तो भक्तिन कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय आदि वहीं देकर लेखिका को भूख का कष्ट नहीं होने देना चाहती थी। उसके जीवन का परम कर्तव्य लेखिका को प्रसन्न रखना था, अतः वह हर संभव उपाय अपनाती थी कि लेखिका को भूखे रहने का कष्ट सहन न करना पड़े। बच्चों, अब कुछ संकेतों की आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, जो कि इसी संस्मरणात्मक रेखा चित्र की है। तो आपको यह संकेत व संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या अपनी कॉपी में करनी है। पहले पद में संदर्भ लिखा है और बाकी दो जो संकेत हैं उनमें संदर्भ पूर्वत या पूर्वानुसार है, अर्थात आपको परीक्षा में लिखना है। परीक्षा में कभी भी आप पूर्वत या पूर्वानुसार करके नहीं आएंगे।